दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लगातार भारतीय क्रिकेट टीम को दूसरा मैच हरा कर हार्दिक पांड्या ने रोहित और कोहली को याद कर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार टीम की लगातार हार के बाद पांड्या साहब क्या बोले अपने बयान में, कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई हैरान है। पांड्या के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज की तारीख में T20 का बेहतर कप्तान कौन है, पांड्या या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच में चल रही टेस्ट और वनडे सीरीज को जीतने के बाद हर किसी को लगा कि T20 भी हमारी होगी, लेकिन 5 मैचों की T20 सीरीज में जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम के पास उनके बड़े नाम तक नहीं है, वो भारतीय क्रिकेट टीम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पहले और दूसरे मैच को जीत जाएंगे, अब ये किसने ही सोचा होगा। एटलीस्ट भारत के सबसे सफल उभरते कप्तान हार्दिक पांड्या ने तो बिल्कुल भी नहीं। जी आपने सही सुना, पहले के बाद हमें आज दूसरा T20 मैच भी हारना पड़ा है। इस मैच की शुरुआत पांड्या के जीतने के साथ हुई थी। वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, मतलब कि कंडीशंस का उन्हें भरपूर तरीके से पता था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई पूरी तरीके से एक सवाल में तब्दील हो गया है। ये सवाल भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी पर उठा है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस से भारतीय बल्लेबाजी 150 के आंकड़े को पार ही नहीं कर पा रही। इस बार भी ईशान किशन के 21 रन भले ही आए, लेकिन शुभमन गिल फ्लॉप रहे, सूर्यकुमार यादव कुछ नहीं कर पाए, सैमसन स्टंप आउट होकर चले गए। अब भला मैदान में बल्लेबाजी करते वक्त तिलक वर्मा के 51 और पांड्या के 24 रन कितना आगे ले जाते भारतीय टीम को। हमारी कहानी 152 पर अटक गई और उसे बचाने के लिए गेंदबाजों ने प्रयास भी भरपूर किया। खुद पांड्या ने 2 विकेट लिए पहले ओवर में, लेकिन इस मोमेंटम को कैरी करना था जो निकोलस पूरन के सामने तो कतई नहीं हो पाया और वो 67 रन की एक मैच विनिंग नॉक खेलकर गए। हां, मामला अंतिम ओवर तक जरूर पहुंचा था जब 8 विकेट गवा चुकी थी वेस्टइंडीज की टीम, लेकिन अलजारी जोसेफ और अकील हसन के जो हौसले थे वो हमारे गेंदबाजों से, हमारे कप्तान से कई बढ़कर थे, इसीलिए उन्होंने 2 विकेट शेष रहते, 1 ओवर शेष रहते अपनी टीम को जिता दिया। ये भारतीय क्रिकेट टीम की अब तक की सबसे बुरी हार होगी कि वो गेंदबाजों के हाथों हारे हैं बल्लेबाजी करते हुए। 200 हार पर सवाल तो उठ रही है, लेकिन इस पर खुद पांड्या ने फिर से कुछ ऐसा कह दिया है, ऐसी टिप्पणी की है कि सुनकर हर कोई हैरान है। आखिरकार लगातार हारते हुए हार्दिक पांड्या अपने बयान में क्या कहेगा, चलिए आपको बताते हैं। 200 पांड्या ने हार के बाद कहा, इस पिच पर कम से कम 160 और 170 रन बड़ी आसानी से बन सकते थे। इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले मैच की तरह इस बार भी हमारी बल्लेबाजी जरूरत से ज्यादा खराब रही, ना तो टॉप ऑर्डर कुछ कर पाया और ना ही मिडल ऑर्डर में हम मिलकर टीम को संभाल सके, लेकिन ऐसे वक्त पर भी हमें हमारी टीम पर भरोसा रखना होगा। हमारे साथ इस वक्त पर 7 बल्लेबाज खेल रहे हैं और अगर मिलकर हम एक लक्ष्य को नहीं बना पा रहे या मौका मिलने पर उसे चेज नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है और उस पर हमें काम करने की भी जरूरत है। मैं पिछली हार के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन आने वाले अब सभी मुकाबले किसी भी फॉर्मूले से हमें जीतने ही पड़ेंगे। आज वाकई में लग रहा है कि टीम में अगर रोहित या विराट भाई होते तो शायद मुकाबलों को आसानी से जीता जा सकता था या फिर एटलीस्ट उनमें कमबैक तो किया जा सकता था। मुझे उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी मिलकर हमें अगला मुकाबला जरूर जिताएंगे। ऐसे वक्त पर बस फैंस के सपोर्ट की ही आस है। 200 पांड्या ने खुद अपनी जबान से कह दिया है कि टीम में वाकई में अगर रोहित और कोहली होते तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ था, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या पांड्या T20 कप्तानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभालने के काबिल है या नहीं, इसका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही पांड्या की जगह किसे कप्तान होना चाहिए यह भी। ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।